कहानी शुरू होती है। विनय का घर एक छोटे से गांव में था जो रात को बहुत ही सुनसान हो जाता था। उसका घर वन में घुसा हुआ था जिससे वह लंबी और डरावनी गलियों में गहराई से बसा हुआ था। उसके पास एक पुराना कोहरा भरा कमरा था जिसमें उसने अपनी कहानियों का संग्रह किया था। एक रात विनय ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने उस कमरे की ओर देखा और वहां एक पुरानी किताब खोली हुई मिली। किताब में उसकी ध्यान उसे खींचने लगा और वह उसे पढ़ने बैठ गया। किताब में लिखा था, यह कहानी उस गांव की है जहां लोगों के बीच डरावनी चुप्पी फैली हुई थी। गांव के पुराने मकबरे में एक अंधेरे कोने में एक रहस्यमय चीज थी जिसका असलियत कोई नहीं जानता था। विनय को यह कहानी बहुत पसंद आई। उसने किताब को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने अधिक पढ़ा उसका ध्यान और जोर से बढ़ता गया। धीरे धीरे विनय को लगने लगा कि किताब की कहानी उसके अपने घर की है। गांव में कई लोगों की गायबी गाथाओं की बात कही जा रही थी और विनय को लगा कि वह कुछ अज्ञात और डरावनी चीज के साथ खेल रहा है। विनय के दिमाग में एक चित्र तैर गया, उसके घर का कमरा जिसमें वह खड़ा था और पुरानी किताब जो उसके हाथों में थी। धीरे 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 उसकी धड़कनें तेज होने लगी और वह महसूस करने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। एक बार फिर उसने किताब को देखा और वहां लिखा था, जब रात का अंधकार छा जाता है और गांव की गलियों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो विनय सुनने वाला आवाज का रात में पता लगाने लगा।